दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। और ये जो वीडियो है, ये सेकंड पार्ट है उस वीडियो का जो मैंने पहले एक अपलोड करी थी। उस वीडियो में भी मैंने इन इंटीग्रेटेड सर्किट्स और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का बताया था। ये उसका सेकंड पार्ट है। अगर आपको वो फर्स्ट वाली अगर आपने नहीं देखी है वीडियो और वो देखनी है, तो अगर आप उस वीडियो को देख सकते हैं, मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए, मैं आपको अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और सारे पैकेजेस जो मैंने अली एक्सप्रेस या जो ई कॉमर्स साइट है वहाँ से मंगाए हैं, वो मैं आपको अनबॉक्स करके दिखा देता हूँ। तो यार, ये रहा वो फर्स्ट पार्सल, फर्स्ट पैकेज जो मैंने अली एक्सप्रेस से मंगाया है। ये मैं एक बार आपको खोल के दिखा देता हूँ। तो इसके अंदर है जंपर वायर्स, ये एक ये होल्स वाले और एक तरफ ये पिन वाले। ये पूरे 40 जंपर वायर्स हैं। और ये रहा सेकंड पार्सल। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इन सारे प्रोडक्ट्स के जो लिंक हैं वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहाँ से जाके मंगा सकते हैं, ठीक है। और तो इसके अंदर देख लेते हैं इसके अंदर क्या मिलता है। तो इसके अंदर छोटा सा कुछ है, एक मिनट देख लेते हैं, मैं एक बार फोकस कर देता हूँ। हाँ, तो इसके अंदर है 2.4 गीगाहर्ट्ज का, नहीं 2.4 ऐसा कुछ वाईफाई मॉड्यूल है ये। तो ये रहा ये वाईफाई मॉड्यूल। ये मुझे पड़ा कुछ 0.200 लिखी हुई, पता नहीं क्या। ये मुझे कुछ $1 इतने कुछ के आसपास पड़ा है। ये रहा ये, तो यार ये जो वाईफाई मॉड्यूल है, इसको हम बहुत काम में ले सकते हैं हमारे कोई भी वो इंटरनेट बेस्ड, कोई भी वायरलेस बेस्ड प्रोजेक्ट में। और ये आर्डुइनो के साथ फुल्ली कंपैटिबल है। तो इसको मैं आपके एक वीडियो अलग से बना के दिखाऊंगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। और ये रहा एक और पैकेज, पर ये रहा PIR सेंसर। आपने देखा होगा कि मेरी पिछले वाली वीडियो में भी मैंने एक PIR सेंसर की वो पैकेज की अनबॉक्सिंग आपको दिखाई थी। क्या हुआ था कि जो PIR सेंसर मैंने पहले मंगाया था वो मेरा ख़राब हो चुका था। वो मैंने टेस्टिंग करके और ये जो इसके ऊपर शील लगी हुई इसको निकाल के जब मैंने सेंसर को देखा, बार बार टेस्ट करने से वो ख़राब हो गया, तो मेरे को ये एक और मंगवाना पड़ा था। तो ये रहा, अब इसको खोल के देख लेते हैं कि इसके अंदर हमको क्या मिलता है। तो इसके अंदर, हाँ इसके अंदर है हमारा SD कार्ड मॉड्यूल। ये 16 SD कार्ड मॉड्यूल है और इस SD कार्ड मॉड्यूल को आप कोई स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हैं आर्डुइनो के साथ। जैसे कि आपने आर्डुइनो से कोई प्रोजेक्ट बनाया
जिसमें आप एक कैमरे से कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप इस एसडी कार्ड मॉड्यूल को यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप आर्डुइनो को कोई भी एक्सटर्नल डाटा स्टोर करने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आर्डुइनो के साथ फुल्ली कंफर्टेबल है और कोई भी प्रोजेक्ट के साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसको देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। हाँ, तो इसके अंदर ये दो मिनी ब्रेड बोर्ड्स हैं, ये देखिए, ये जो छोटे जो ब्रेड बोर्ड्स आते हैं उनसे भी ये छोटे ब्रेड बोर्ड्स हैं, जिससे आप कोई स्मॉल जो चीज़ें होती है, जो आपके स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, उसको आप यहाँ पे प्लग इन करके छोटा सा कंफर्टेबल जगह में बना पाएँ। और ये ऐसे कनेक्ट भी हो जाते हैं इन होल्स की मदद से। इसको भी खोल लेते हैं और इसके अंदर हमको क्या मिलता है। हाँ, तो ये है एक RTC मॉड्यूल, यानी एक रियल टाइम क्लॉक मॉड्यूल है ये। इसके अंदर यार ये मेरे को बड़ी अच्छी चीज़ लगी। इसके अंदर क्या होता है कि आप रियल टाइम कोई अपनी खुद की अलार्म क्लॉक बना सकते हैं, कुछ वो आप रिलीज़ को और कोई भी लाइट्स को अपने ट्रिगर कर सकते हैं इससे एक ऑटोमेटेड टाइम पर। और ये और भी इसके यूजेस हैं, इस पर मैं एक फुल ट्यूटोरियल बनाऊंगा, और अभी के लिए इसको रख देते हैं। और ये रहा लास्ट हमारा पार्सल जो बचा हुआ है, लास्ट पैकेज जो बचा हुआ है। हाँ, तो ये है 10 या 20 कुछ ऐसे ये पिन्स हैं, वो जो एंड्रॉयड केबल की जो पिन्स होती है वो है ये। मैं एक बार आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये देखिए कुछ ऐसा आता है, ये यहाँ पे ये रहा एंड्रॉयड केबल का जैक, और यहाँ पे आप अपने पिन्स जोड़ सकते हैं। और ये इसके आउटर शेल्स हैं, कवर हैं, इससे आप इसको सिक्योर कर सकते हैं अंदर वायर्स को। और ऐसे ये इसके अंदर 10 हैं कि मतलब ये मैंने यार ऐसे मंगा लिया है कुछ खुद की कनेक्शन केबल्स और ये सब बनाने के लिए, ठीक है। और अगर इनमें से आपको कुछ भी पसंद आया हो तो आप मेरे दिए गए लिंक को डिस्क्रिप्शन से कुछ भी बाय कर सकते हैं, इनमें से कुछ भी बाय कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स, मिलते हैं अपनी मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना। इनमें से अगर आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट की अलग से कोई वीडियो चाहिए, या फिर आपको कोई और अनबॉक्सिंग इन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की या फिर आर्डुइनो से रिलेटेड चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर देना नीचे, मैं उस कमेंट को पढ़ के आपके लिए नई वीडियो बना दूँगा।